हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका टेक्निकल असिस्टेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन कलर और ये टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो सिर्फ एक कमांड से। जी फ्रेंड्स, सिर्फ आपको एक कमांड लिखना है और आपका टेक्स्ट कलर हो या कंप्यूटर में आपका CMD का बैकग्राउंड कलर जो ये ब्लैक कलर का होता है जिसे आप देख के बोर हो जाते हो, उसे चेंज करना हो तो सिर्फ आपको एक कमांड लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और टेक्स्ट कलर वेरियस कलर्स होते हैं, आप एक से ज़्यादा कलर में उसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कमांड लिखना है कलर, COLOR कलर, और आपको यहाँ पर A प्रेस करना है, उसके बाद एंटर दे दीजिए। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया। अगर उसी तरह से आपको कोई और कलर चाहिए तो आपको यहाँ पे कलर स्पेस B लिखना है और एंटर दे देना है। आपको ये कलर भी अच्छा नहीं लगा तो कलर स्पेस C यहाँ पे प्रेस करना है और एंटर दे देना है, यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये कलर भी नहीं चाहिए तो आप C की जगह पे D प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे आपको एंटर दे देना है। आपको ये कलर भी अच्छा नहीं लगा ब्लू कलर तो आपको यहाँ से डी से यहाँ पे आपको ई प्रेस कर देना है और आपका ये येलो कलर हो जाएगा। आपको ये कलर भी अच्छा नहीं लगता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है यानी कि वाइट कलर, वो आपको कलर एफ़ से मिल जाएगा। अब आपको स्क्रीन कलर चेंज करना हो यानी कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है जो ब्लैक है उसे चेंज करना हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको डालना है A और यहाँ पर लिखना है 1। आप देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया और आपका जो टेक्स्ट कलर है वो भी डार्क हो गया थोड़ा। अब उसी तरह से आपको A के साथ यहाँ पे आप 2 प्रेस करोगे, A2, तो यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट कलर है वो थोड़ा लाइट हो गया। यहाँ पे आप उसी तरह से A के साथ 3 प्रेस कर दीजिए, आप उसी तरह से A के साथ 4 प्रेस कर दीजिए, आपका टेक्स्ट कलर चेंज होता रहेगा। अब उसी तरह से आप यहाँ पे कलर के साथ एक ही जगह पे B प्रेस कर दीजिए और 1 लिख लीजिए, तो ये देखिए B के साथ आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। उसी तरह से आप C और 1 लिखिए तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। आप उसी तरह से यहाँ पे D1 लिख लीजिए तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पे D की जगह पे E1 लिखते हैं तो आपका येलो कलर हो जाएगा। आप अगर E3 करते हैं या 4 करते हैं या 5 करते हैं तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।